सात राज्यों में एनआईए की छापेमारी चल रही है और बिहार के फुलवारी शरीफ में पीएफआई से जुड़े मामलों पर एनआईए ने छापा मारा है, तो दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और छत्तीसगढ़ में करीब 50 ठिकानों पर गैंगस्टर्स और आतंकी गठजोड़ की जांच के सिलसिले में एनआईए की यह छापेमारी जारी है। विश्नोई गैंग से लेकर बवाना गैंग तक एजेंसी के रडार पर है और टेरर एंगल से लेकर विदेशी फंडिंग, विदेशों से ऑपरेशन उगाही, ड्रग्स कनेक्शन तक की पड़ताल जारी है और माना जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया से लेकर अमेरिका, कनाडा तक से एक गैंगस्टर्स ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं और एजेंसियों की प्लानिंग है कि विदेशों से लेकर स्थानीय स्तर तक इन सब में जमे जमाए गैंग की कमर तोड़ दी जाए। दो तस्वीरें, 5 राज्यों में ये छापेमारी एनआईए की और 50 ठिकाने इसमें शामिल हैं, जिसमें दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के ये ठिकाने हैं और हर एंगल से तफ्तीश लगातार जारी है। ये कार्रवाई बीच बीच में होती रहती, लेकिन अब तक की अभी फिलहाल ये बहुत बड़ा ऑपरेशन, क्योंकि 5 राज्यों में एक साथ 50 ठिकाने पर एनआईए की ये जांच पड़ताल यानी कि छापेमारी चल रही है। तो गैंग्स को विदेशों से भी फंडिंग का ये पूरा मामला, विदेशों से गैंग का ऑपरेशन, टेरर एंगल को लेकर भी तफ्तीश और ड्रग्स गैंगस्टर का भी कनेक्शन, वारदातों में शामिल होने का इन लोगों पर शक है, यानी कि जिस तरह से गैंगस्टर्स के मददगारों पर छापेमारी हो रही है, पूरी जो नेक्सस है गैंगस्टर से उनका खुलासा और उनके कमर को तोड़ दिए जाने की ये पूरी तैयारी, पूरी प्लानिंग एनआईए ने कुछ इसी तरह से ये छापेमारी को अंजाम दिया है। और इस वक्त हमारे साथ दो सहयोगी जुड़ रहे हैं, चंडीगढ़ से कमलजीत संधू जुड़ रही हैं और साथ ही हिमांशु मिश्रा दिल्ली से जुड़ रहे हैं। हिमांशु, किस तरह से ये छापेमारी अभी आप देखने को आपको मिल रहा है और क्या कुछ इस पर सूचना मिल रही है? देखिए, एनआईए को जब सिद्धू मूसेवाला की हत्या होती है और उसके बाद जब उसकी इन्वेस्टिगेशन बढ़ती है तो ये पता लगता है कि किस तरीके से जो ये लोकल गैंगस्टर हैं, इनका नेटवर्क का इस्तेमाल बब्बर खालसा इंटरनेशनल और आईएसआई से जुड़े लोग कर रहे हैं और ये जानते ही एक तरीके से चौंक पड़ी एजेंसियां। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने यूएपीए के तहत एक केस दर्ज किया और फिर एनआईए ने इस जांच का जिम्मा संभाला और पहली बार 12 सितंबर को रेड पड़ी थी और जब 12 सितंबर को रेड डाली गई थी सारे गैंगस्टर्स के ऊपर तो उसमें कई AK-47 हैंड ग्रेनेड भी बरामद हुई थी और उसी में ये अगली कड़ी है। जो जानकारी मिली थी, जो पूछताछ से जानकारी मिली थी, उसके बाद अब ये कार्रवाई की जा रही है। दरअसल ये निकल करके आया कि किस तरीके से हथियार इन तक पहुंच रहे हैं और जो ड्रग्स है, ड्रग्स का नेटवर्क इनका इस्तेमाल किया जा रहा है और तीसरी चीज जो आईएसआई है वो इन गैंगस्टर की जो लोकल जो नेटवर्क है उसका किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, बेसिकली ये समझने की कोशिश हो रही है, न सिर्फ ड्रग्स की पूरे मामले को समझने की। तो कई जगहों पर रेट ठीक है, आप इस पर नजर बना के रखें। हिमांशु, एक बार जल्दी से हम अपडेट ले लेते हैं, चंडीगढ़ का रुख करते हैं। कमलजीत हमारे साथ, हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है। कमलजीत, जब भी ड्रग्स और टेरर एंगल की बात होती है पंजाब का नाम उसमें आ जाता है और फिर से जो 5 राज्यों में जो छापेमारी चल रही है उसमें पंजाब का नाम शामिल है, वहां से क्या कुछ अपडेट दर्शकों को बताएं कमलजीत? देखिए, पंजाब में 10 जगह पे छापेमारी चल रही है, हरियाणा में भी 10 जगह पर है और उसके बाद चंडीगढ़ में 1 जगह पे छापेमारी चल रही है और इसका नतीजा ये है क्योंकि ये जो गैंगस्टर्स हैं सिर्फ गैंगस्टर्स नहीं है, इनका एक टेरर सिंडिकेट के साथ भी नेटवर्क है, यानी जितने कोई ड्रोन से आईडीज आ रहे हैं, ड्रग्स आ रहे हैं, वो सारे इन्हीं गैंगस्टर्स के हाथों आ रहे हैं। उसके अलावा ये लोग जो म्यूजिशियंस हैं, आर्टिस्ट हैं, चाहे बिजनेसमैन हैं, वो उनको टारगेट बना रहे हैं, फिरौती ले रहे हैं, तो सर से पानी जैसे उठ सा गया है और इस वजह से जरूरत हुई है कि सेंट्रल एजेंसी है, एनआईए है, इसमें केस करें। आपको बता दें जो डीजी एनआईए है दिनकर गुप्ता है वो पंजाब काडर से ही है और पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से दिशा निर्देश आए हैं होम मिनिस्टर अमित शाह से, उन्होंने साफ कर दिया कि इस तरह का जो गैंगस्टर टेरर सिंडिकेट है ये खत्म होना चाहिए। उसके बाद एनआईए हरकत में आई है, 12 सितंबर को जिस तरह से पहली बार रेड हुई, जो लोग उसमें अरेस्ट हुए थे उन गैंगस्टर्स के बयान के बाद अब ये दूसरी छापेमारी की जा रही है और हमें सूत्र बता रहे हैं कि इसमें भी काफी हद तक हथियारों का जखीरा मिला है, काफी जगह से हथियार बरामद किए गए हैं और इस वक्त छापेमारी चल रही है और इसी वजह से 5 राज्यों में एक तरह से साइमल्टेनियस रेड चल रहे हैं 50 लोकेशंस पर, अपने आप में दिखाता है कि कितना बड़े पैमाने पे एनआईए रेड कर रही है और ये जो सिंडिकेट है इसको खत्म करने की बात है, चाहे लॉरेंस बिश्नोई गैंग हो, चाहे काला जथेड़ा हो, चाहे बाकी गैंगस्टर्स हैं, इनको कमर तोड़ने की
और खास तौर पे जो और बेहद जरूरी भी है कमलजीत, आपका बहुत शुक्रिया कमलजीत और हिमांशु हमारे दोनों सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया।